27 में गेहूं लो और 31 धान का दो भारतीय किसान संघ। आज भारतीय किसान संघ जिला टीकमगढ़ का प्रदेश व्यापी ने मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि चुनाव पूर्व उन्होंने जो घोषणा की थी, बाबा किसानों से वादा किया था कि हम चुनाव जीतने के बाद गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए बदन का 3100 करेंगे। चुनाव के इतने दिन बाद भी आज तक मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा को पूरा नहीं किया है। भारतीय किसान संघ उन्हें याद दिलाना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी अपने चुनाव पूर्व जो वादा किसानों से किया था उसे पूरा कीजिए। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए व धान का समर्थन मूल्य का 3100 रुपए किसानों को दीजिए। इसके अलावा अभी वर्तमान समय में अतिवृष्टि ओलावृष्टि से किसने की फसल बर्बाद हो गई है, जिसमें भारतीय किसान संघ की मांग करता है कि किसने के खेतों में जाकर के सर्वे किया जाए व किसानों को उचित मुआवजा राशि खातों में डाली जाए। इसके अलावा भारतीय किसान संघ ने एक ज्ञापन स्थानीय मांगों को लेकर के जिला कलेक्टर महोदय को दिया, जिसमें भारतीय किसान संघ ने यह मांग की है कि बांसुजरा बांध परियोजना के जो चैम्बर बनाए गए हैं वह जगह जगह टूटे पड़े हैं, जिन्हें शीघ्र सुधर जाए। जिन खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है उन खेतों में पानी पहुंचाया जाए। बांसुजरा बांध की नहर को हर तालाब से जोड़ा जाए। मोहनगढ़ तहसील के ग्राम बिजरावन वर्टोरिया सुकलन में आदिवासियों को विद्युत ट्रांसफार्मर शीघ्र दिलवाए जाए। टीकमगढ़ तहसील के राजेंद्र सागर बांध जो जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रहा है उसे शीघ्र सुधार जाए और नहरों का विस्तार बढ़ाया जाए। तहसीलों में लंबे समय से पड़े नामांतरण सीमांकन के प्रकरण शीघ्र हल किए जाए। आगामी समय में मंडियों में जो खरीदारी होगी पारदर्शी तरीके से की जाए। किसानों से किसी भी तरह का शुल्क वसूला ना जाए व उनके लिए पानी व रोपने की उचित व्यवस्था की जाए। इस तरह से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष शिव मोहन गिरी, जिला मंत्री राजेंद्र श्रीवास्तव, जिला सह मंत्री नीरज श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार पाठक, जिला कोषाध्यक्ष अवधेश गिरी गोस्वामी, जिला जैविक खेती प्रमुख रामगोपाल विश्वकर्मा, जिला कार्यकारिणी सदस्य रामचंद्र श्रोती, जिला कार्यकारिणी सदस्य श्रीपद सिंह भदौरिया, टीकमगढ़ तहसील अध्यक्ष भगवत सिंह ठाकुर, पलेरा तहसील अध्यक्ष हरपाल सिंह सिसोदिया, खरगापुर तहसील अध्यक्ष छोटेलाल यादव, दिगौड़ा तहसील अध्यक्ष राकेश सिंह घोष, मोहनगढ़ तहसील अध्यक्ष केशव कुशवाहा, जतारा तहसील अध्यक्ष जानकी अहिरवार, लिधौरा तहसील अध्यक्ष मान सिंह यादव, बड़ागांव तहसील अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर सहित सभी तहसीलों के पदाधिकारी व किसान मौजूद रहे। जितना बोला उतना दो। ऐसे हो जाओ, बोलो अपने चेहरा आ जाए। बोलो।